नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 फरवरी से होने वाले बदलाव को लेकर। 1 फरवरी का दिन देश के हर नागरिक के लिए खास होता है, क्योंकि इस दिन बजट का दिन होता है। बजट से आम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है। आपको बता दें कि 1 फरवरी के देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी से जुड़े कई फैसले देखने को मिलेंगे। कई रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कई वस्तुओं के दाम घटने वाले हैं। ऐसे में 1 फरवरी से सरकार के साथ साथ गैर सरकारी बैंकों के भी ATM में बदलाव होने वाले हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं 1 फरवरी से होने वाले बदलाव को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं SBI और PNB बैंकों को लेकर। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो अब आपके पैसे ट्रांसफ़र करना महंगा हो सकता है। SBI की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने 1 फरवरी 2022 से IMPS ट्रांजेक्शन में एक नया स्लैब जोड़ा है, जो कि 2 लाख से 5 लाख रुपए का है। अगले महीने से 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच बैंक ब्रांच से IMPS के माध्यम से पैसे भेजने का शुल्क 20 रुपये प्लस GST होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने भी अगले महीने से एक अहम नियम बदलने जा रही है। PNB के अनुसार 1 फरवरी से आपकी किसी किस्त या फिर निवेश या फिर डेबिट अकाउंट में पैसे न होने की वजह से फेल होता है तो इसके लिए 250 रुपये देने होंगे। अभी तक इसके लिए 100 रुपये का चार्ज लगता था। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल कराते हैं तो 150 रुपये देने होंगे, इसके लिए भी अभी 100 रुपये चार्ज लगता है। इधर बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को 1 फरवरी से चेक क्लियरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव करेंगे। अब 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा, यानी कि चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी, तभी चेक क्लियर होगा। ये बदलाव 10 लाख रुपए से ऊपर के चेक में क्लियरेंस के रूप में मान्य होगा। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस के दाम जारी होते हैं। ये बात देखने वाली होगी कि 1 फरवरी को सरकार LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव करती है या। हालांकि सरकार ने दाम बढ़ाने के संकेत दिए थे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार LPG के दामों में इजाफा न करे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो 1 तारीख को बजट पेश होना है। वहीं अगर हम बैंकों को देखें और हर महीने की 1 तारीख को जो होने वाले बदलाव हैं, उसमें 2 चीज़ें जो है अहम निकल कर सामने आई है। एक तो SBI PNB में जो है बड़े बदलाव होने हैं, उसके बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में बदलाव होना है, और जो हर महीने की जो एक तरह से कह लें कि मॉनिटरिंग होती है पेट्रोलियम को लेकर, उसमें जो कहा जा रहा है कि रसोई गैस के दामों में इस बार जो है बढ़ोतरी ना हो। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर जो है गैस के दामों में वृद्धि नहीं हो सकती है, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।